Greetings everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today I have brought another sample answer. This is a cue card. Describe something that you have shared with others. इसमें आपने किसी चीज के बारे में बताना है जो आपने किसी दूसरे के साथ शेयर की हो या दूसरों के साथ शेयर की हो. What you shared, आपने क्या शेयर किया. When you shared it, कब शेयर किया. Who you shared it with, आपने किसके साथ शेयर किया. And explain why you shared it. And explain करो कि आपने क्यों शेयर किया. और how you felt when you shared it. जब आपने शेयर किया आपने कैसा फील किया. Let's get started. Well, I believe that life is not about taking something. It's all about sharing everything. Well, मैं बिलीव करती हूँ कि लाइफ का मतलब सब कुछ लेना ही नहीं होता बल्कि शेयर करना भी होता है. Although there have been several times when I shared my things with others, हालांकि काफ़ी बार मैंने अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करी. Today I would like to talk about my book that I shared with my friend. आज मैं एक बुक की बात करूँगी जो मैंने अपने फ्रेंड के साथ शेयर करी. Whose name is Gaurav, जिसका नाम गौरव है. A book lying idle on a shelf is wasted ammunition. एक बुक है जो शेल्फ पे आइडल पड़ी है वो एक वेस्टेड एम्यूनेशन होता है, मीन्स हथियार होता है. एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मुझे पता है, बुक्स मस्ट बी केप्ट इन कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन. बुक्स एक कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन में होनी चाहिए. अ बुक इज नॉट ओनली अ फ्रेंड, एक बुक सिर्फ एक फ्रेंड नहीं होती, इट मेक्स फ्रेंड्स फॉर यू, ये आपके लिए फ्रेंड्स बनाती है. वेन आई हैव पजेस्ड अ बुक विद माइंड एंड स्पिरिट आई एम इनरेस्ट, बट वैन आई पास इट ऑन आई एम इनरिच थ्री फोल्ड. इसका मतलब है कि जब मेरे पास एक बुक है माइंड और स्पिरिट के साथ, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट जब मैं ये किसी और को पास करती हूँ तो मेरी नॉलेज है 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है. लास्ट मंथ गौरव केम टू मी एंड आस्क्ड टू बोरो माई फेवरेट बुक. लास्ट मंथ गौरव मेरे पास आया और उसने मेरी फेवरेट बुक को बोरो करने के लिए पूछा. द नेम ऑफ द बुक इज द सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. उस बुक का नेम है सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. बिफोर रीडिंग द बुक, उस बुक को पढ़ने से पहले, ही वुड गेट लेट फॉर एवरीथिंग एंड वॉज अनएबल टू मैनेज हिज स्केड्यूल. वो हर चीज के लिए लेट हो जाया करता था और अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था. One day he asked my secrets of self-management. एक बार उसने मेरे secrets पूछे सेल्फ मैनेजमेंट के. Then I suggested him to hit the book. फिर मैंने उसे उस बुक को पढ़ने के लिए बोला. Hit the book एक idiom होता है, means किसी बुक को study करना. The most valuable thing a person can share is a book, because it is not just meant for reading but for sharing. जो सबसे valuable चीज होती है जो एक person दूसरे के साथ share कर सकता है, एक बुक होती है जिसका मतलब सिर्फ रीड करना ही नहीं होता बल्कि शेयर करना भी होता. माई मदर ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू बी अ रेनबो इन समवन्स क्लाउड. मेरे मदर है हमेशा किसी के क्लाउड में रेनबो बनने के लिए मुझे इंकरेज करते हैं. अ रेनबो इन समवन्स क्लाउड एक idiom होता है जिसका मतलब होता है होप बनना किसी के बुरे टाइम में. Having noticed a positive change in his life after reading the book, एक positive change note करने के बाद उसकी life में, I felt satisfied, मैंने satisfied feel किया. It is well said that a candle loses nothing by lighting another candle. एक candle का कुछ भी नहीं जाता अगर वो दूसरी candle को lighting करती है. So sharing knowledge is the most fundamental act of friendship. So नॉलेज शेयर करना सबसे फंडामेंटल एक्ट है एक फ्रेंडशिप का, एज इट इज़ अ वे यू कैन गिव समथिंग विदाउट लूजिंग एनीथिंग. क्योंकि ये एक तरीका है आप किसी को कुछ दे सकते हो बिना कुछ लूज करे. थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इन ऑर्डर टू गेट मोर वीडियोज़.